हेलो एवरीवन दिस इज कोमल योर एसिस एजुकेटर वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ड्रेन मैग्नेट ड्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किंड गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डेली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस भी करते जाएगा ई e बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो भटकने की बात नहीं बनती है सो so, आज हम क्या करने वाले हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम चैप्टर हमारा है रीजनल सेंटर्स से रिलेटेड कि कैसे कैसे अलग अलग जो रीजन्स है कल्चर्स हैं उनका क्या हुआ कैसे वो बने डेवलपमेंट हुआ है ना सब एरिया है हम लास्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि हम किसी को भी पहचानते तो उसकी रीजन वाइज कैसे अगर स्पेशली उसकी लैंग्वेज कोई तमिल बोल रहा है तो हम कह रहे हैं हा, हाँ तमिल लैंग्वेज बोल रहा है तो हम यही बोलते हैं ना कि वो तमिलियन है है ना तमिलियन है साथ में वो तमिलनाडु से होगा यही हमारे माइंड में आता है इसी कॉमन तरीका सबसे यही है किसी को भी किसी के भी बारे में पता करने का कोई सामने बात कर रहा है तो उसके बारे में इजली हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज वो बोल रहा है ठीक है या तो सेम बोल रहे हैं तो यानी ऑब्वियसली हमें लगेगा सेम है अब हमारे एरिया में कोई दूसरा पंजाबी बोल रहा है तो हम ये बोलेंगे ना अरे पंजाब से होगा ये पंजाबी होगा ऐसे हम डिफाइन करते हैं चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे डांस फॉर्म हो है ना चाहे पोइट्री हो पेंटिंग्स हो एंड ऑल क्लियर हमने ये भी देखा था कि ये जो अलग अलग रीजन से जो चीज़ें बनी हैं ये क्या है ये अलग अलग जो कल्चर्स हैं ट्रेडिशन है ये किसका पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सब कॉन्टिनेंट में हुआ है मतलब जो इंटरमिक्सिंग है है ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की इंटरमिक्सिंग है जो मिक्स हुई है चीज़ है उसका प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट है ऐसा हम कह सकते हैं क्लियर अच्छा तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम तो सबसे पहले सबसे पहले तो आप क्या करो फटाफट से पहले तो लाइक like शेयर करो भाई बिना किसी रुकावट के जल्दी जल्दी से लाइक like शेयर कर दीजिए ठीक है जल्दी जल्दी से आप क्या करो फटाफट से पहले लाइक शेयर करो उसके बाद फिर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्या कर दीजिए अपने लाइक शेयर की गाड़ी को आगे बढ़ाइए ठीक है मतलब लाइक शेयर से मेरी गाड़ी को आगे बढ़ाइए मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपकी गाड़ी भी तो आगे बढ़ेगी ना चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते शुरू करेंगे लेटर्स बिगिन बाई लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ दी कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन हमें बोल रहे हैं कि जरा हम एग्जाम्पल से समझे एग्जाम्पल किसका लेंगे हम हमें कह रहे हैं लेटस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन किसके बीच का कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेजेस लैंग्वेज एंड रीजन कोई भी भाषा और रीजन का हम इनका कनेक्शन देखेंगे कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in the 19th century in southwest part of the peninsula, part of the present day Kerala. Chera kingdom की बात है, kingdom रहते थे इतना थे Chera kingdom जैसे Chol's वगैरह है ना, kingdom, empire हमने देखे हैं, पता ही है इसमें कुछ नया तो है नहीं, ऐसे Chera kingdom था, कब की बात है? कहाँ का महोदयापुरम का, was established, कब established हुआ थे? 19वीं शताब्दी में, 19th century में, in the southwestern part. साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दुलर पार्ट ऑफ प्रेजेंट केरला मतलब जो प्रेजेंट केरला है वहीं की बात हो रही है वहां पे पहले इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया मतलब ये था कि भाई मलयालम जो थी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती थी द रूलर इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन दियर इंस्क्रिप्शन अब रूलर ने क्या करा जो रूलर थे राजा महाराजा थे जो रूल कर रहे थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी मलयालम लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज भाषा है जब मैं चैप्टर ओवरव्यू दे रही थी तो मैंने बोला था ना मलयालम क्या है आपको पता ही तो मलयालम तो लैंग्वेज है हमें पता ही है तो मलयालम लैंग्वेज ये जो रूलर्स थे जो राजपाट करते होंगे इस वक्त तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी ठीक है अब उन्होंने ये जो मलयालम लैंग्वेज है और जो स्क्रिप्ट है उसकी अपनी इंस्क्रिप्शन पर लिखा ठीक है इंस्क्रिप्शन पर लिखा इंस्क्रिप्शन आपको बहुत अच्छे से पता है हम क्या करते हैं जब हार्ड सर्फेसिस पे स्टोन हो या मेटल पे लिखते हैं है ना कार्विंग करते गोद गोद के तो वो इंस्क्रिप्शन हम बोलते हैं क्लियर चल इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन दब कॉन्टिनेंट बल्कि ये माना जाता है कि ये ऐसा पुराना वन ऑफ द अर्लीएस्ट एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे लिया जाता है उस टाइम पे ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज कि कोई रीजनल लैंग्वेज रीजन जैसे मलयालम लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखना ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे मलयालम है तो ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन या उस पर आप ऐसे और भी इंपॉर्टेंट डेटा या जो भी आपके उस टाइम के रिकॉर्ड है उसमें लिखवाना सब कॉन्टिनेंट का तो ये पहला माना जाता है मतलब एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल माना जाता है उसका एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्यू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस और सेम टाइम पे जो चेराज है उनको किसपे इंटरेस्ट आया था सांस्कृतिक ट्रेडिशन पे सांस्कृतिक जो है परंपराओं पे इसमें भी थोड़ा झुकाव इनका दिख रहा था मतलब इसमें भी ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे द टेंपल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस टू दिस पीरियड बोरऑड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स जो टेम्पल थिएटर है कहां पे केरला में हमने क्या देखा जो चेरा किंगडम का था चेरा किंगडम के बारे में बात कर रहे थे हम बोले थे साउथ वेस्टर्न पार्ट में दिला के यानी प्रेजेंट डे केरला ठीक है पढ़ रहे थे ना हम अब भी जो लास्ट स्लाइड में देखा तो ये जो टेंपल थिएटर हमें मिलते मिलते हैं हैं केरला में देखने को इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड जो इस पीरियड का माना जाता है जो चेरा ड्यूरेशन था उसका माना जाता है बोरल स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स मतलब जो इनकी स्टोरीज रही होगी कहानी कथाएं रही होगी वो संस्कृत एपिक्स एपिक से ली गई होगी मतलब संस्कृत में भी इनकी तरफ जो संस्कृत ले भी इनका झुकाव था द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम डेटेड टू अबाउट देंचुरी आर डरेक्टली इनडेप टू संस्कृत जो पहला लिटरेरी वर्क था मलयालम का पहलारी वर, वर्क था मतलब जो रिटर्न में हम कहते हैं लिटरेरी सोर्स मलयालम का वो क्या था डेटेड टू अबाउट द ट्वेल्थ सेंचुरी माना जाता है लगभग बारहवीं शताब्दी का आर डायरेक्टली इनडेप्टेड टू संस्कृत आप ये समझ सकते हैं कि उसका एक कनेक्शन वो कहाँ से लिया गया ये समझ सकते संस्कृत संस्कृत से उसका कनेक्शन ये हम समझ सकते हैं क्लियर ये क्या है अर्ली जो है केरला इंस्क्रिप्शन है कम्पोज इन मलयालम जो केरला इंस्क्रिप्शन है मतलब वही जो कार्विंग करते हैं ना हार्ड सरफेसिस पे लिखते हैं ये इंस्क्रिप्शन है केरला का किस लैंग्वेज में मलयालम में ठीक है किस में है मलयालम में क्लियर हुआ आया समझ में हमने क्या देखा कि मलयालम लैंग्वेज तो इंट्रोड्यूस की साथ में संस्कृत एपिक्स में भी इंटरेस्ट था है ना वहाँ से भी स्टोरीज लेते थे है ना वो उसकी उसकी तरफ भी इनका झुकाव था इनका ये जो हम कह रहे हैं वर्क है मलयालम कहीं वहां से संस्कृत से भी थोड़ा सा लिया गया इस तरीके से क्लियर चलो इंटरेस्टिंगली इनफ अ फोर्टीन सेंचुरी टेक्स द लिता लीला तिलकम थोड़ा सा नाम ऐसे रहते इनका लीला तिलकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स वॉज कम्पोज इन मनी परवलम लिटरेरी लिटरली डायमंड एंड कोरल्स रिफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज हमें बोल रहे हैं बड़े ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंगली इनफ अ फोर्टीन सेंचुरी टेक्स्ट एक फोर्टीन सेंचुरी का टेक्स्ट था जिसका नाम क्या था लीला तिल कम ये नाम था उसका डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइटिक्स जो जिसमें जो क्या चीज था उसमें उसमें क्या चीजें थी ग्रामर के बारे में था पोइटिक्स थी ठीक है वॉज कम्पोज इन मनी परवलम किस में कम्पोज थी मनी परवलम में लिटरली उसका मीनिंग मतलब उसका मतलब अगर हम लिटरल टर्म में उसका मीनिंग देखें इसका मतलब होता है डायमंड्स और कोरल्स रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज दो लैंग्वेज को रेफर कर रहे थे कौन सी संस्कृत और जो रीजनल लैंग्वेज थी ठीक है मतलब डायमंड एंड कोरल को रेफर करते हुए दो लैंग्वेजेस को बता रहे थे जैसे क्या संस्कृत और जो भी रीजनल लैंग्वेज थी उसको आया समझ में कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं किसके बारे में बात करें हमें तिलकम थोड़े से इनके नेम टफ होते ध्यान से देखना या बोलो मेरे साथ तिलकम ठीक है क्या है तिलकम आए समझ में चलो रूलर्स एंड रिलीजियस द जगन्नाथ कल्ट अब जो रूलर्स थे और उनका जो रिलीजियस ट्रेडिशन थे देखो राजपाट आएंगे राजा आएंगे उनके अपने अपने क्या रहेंगे रिलीजियस ट्रेडिशन अपनी अपनी जो है परंपरा अपने अपने धर्म को फॉलो करेंगे है ना अपनी अपनी जो भी उनकी मान्यताएं होंगी जिनको भी मानते होंगे तो उसके बारे में तो रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन्स द जगन्नाथ कल्ट कहाँ का एक बोल रहे हैं कहाँ के बारे में बता रहे जगन्नाथ कल्ट इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन अगर हम बात करें अदर अदर रीजन्स में जो कि रीजनल कल्चर्स थे वो ग्री हुए ग्रो करें उन्होंने क्या करा क्या बढ़ाया रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है मतलब जैसे कि कितना परंपराएं धार्मिक तरीके से जो उनकी परंपराएं चली है वो धीरे धीरे बढ़ी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड अ नेम फॉर विष्णु जगन्नाथ हमें माइंड में यह आता विष्णु भगवान के लिए याद आता है तो लिटरली इसका मीनिंग क्या हो गया मतलब वर्ल्ड के क्या है लॉर्ड मतलब दुनिया के भगवान किसके लिए यूज हो रहा है जैसे विष्णु भगवान के लिए एट पूरी उड़ीसा कहा मिलता है हमें देखने को यह हमें देखने को मिलता है पूरी उड़ीसा में ठीक है टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी दैट द डाइटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु अब जो लोकल ट्राइबल पीपल है ना आदिवासी पीपल है उन्होंने क्या करा था जो लकड़ी से लकड़ी से भाई अपने जो भगवान की इमेज बना रखी थी ठीक है लकड़ी की जो है इमेज बना रखी थी अपने भगवान की उसमें ये क्या बताना चाह रहे थे जो क्या सजेस्ट कर रहा था सजेस्ट दैट जो डाइटी है जो भगवान वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड वो पहले जो भगवान थे मतलब ये कह रहे हैं कि वो एक लोकल गॉड थे बाद में उनको क्या माना गया एज अ क्या बोला गया बाद में उनको आइडेंटिफाई किया गया कि भाई हाँ ये विष्णु भगवान है इस तरीके से ठीक है ये क्या है द आइकंस ऑफ बालभद्रा सुभद्रा एंड जगन्नाथ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट उड़ीसा ये पाम लीफ क्योंकि हमने देखा था मनुस्क्रिप्ट किस में लिखी जाती है भाई पाम लीफ में हमने देखा था ताड़ के पत्तों में ठीक है तो ये उड़ीसा का है कौन कौन बने यहाँ पे आइकन्स किस किस के बालभद्रा के सुभद्रा और जगन्नाथ बालभद्रा सुभद्रा और जगन्नाथ तीन देखो तो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल पीपल थे वहां के क्या कह रहे थे उन्होंने वुडन के ऐसा इमेज बना रखी थी तो उनका मानना था कि भाई ये लोकल डाइटी हमारे भगवान है बाद में जाके इन्हें क्या माना गया कि भाई हाँ ये विष्णु भगवान है क्लियर आया समझ में तो अपने अपने एरिया अपने अपने रीजन का आपने देखा कि सब क्या क्या मान रहे हैं सबकी है, अपनी है, अपनी परंपराएं अपनी मान्यताएं हैं अपनी डाइटीज है कौन किस भगवान को पूछ रहे हैं सबका अपना अपना है ठीक है चल इन द ट्थ सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गंगा डायनेस्टी अनंत वर्मन डिसाइडेड टू अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी अब ट्वेल्थ सेंचुरी में कौन थे भाई जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर कौन सी डायनेस्टी के गंगा डायनेस्टी के कौन सी डायनेस्टी थी गंगा डायनेस्टी के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम था अनंत वर्मन क्या नाम था उनका उनका नाम था अनंत वर्मन डिसाइडेड टू रैक्ट टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी टेम्पल बनवा दूं किसके नाम पे किसके लिए पुरुषोत्तम जगन्नाथ जगन्नाथ हमने देखा ना विष्णु भगवान के लिए बोल रहे कहां पे पुरी में किसने गंगा डायनेस्टी के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर क्या नाम था उनका नाम था अनंत वर्मन क्लियर सब्सिक्वेंटली इन ट्वेल्व किंग अनग भीमा स्थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डायटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड अब कुछ हो जाते बहुत ज़्यादा ही भगवान के भक्त हो जाते हैं ठीक है कुछ ज़्यादा ही मतलब भक्ति में लीन हो जाते हैं भगवान को पूरा सब कुछ अपनी चीज़ें डिवोट कर देते हैं कि भाई सब भगवान का है, है ना मैं तो बस भगवान का दास हूँ मैं राजा वाजा अब नहीं हूँ मैं बस भगवान का दास हूँ हर चीज़ क्या करते थे दान में दे देते हैं इस तरीके से तो ऐसे ही 1230 में जो किंग थे जिनका नाम था अनग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिस किंगडम उन्होंने अपना जो किंगडम में अपना जो राजपाट डेडिकेट कर दिया था किसके लिए अपने भगवान के, जिनको पूछते पूजते थे एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड और खुद को क्या माना भाई भगवान का जैसे डेप्यूटी बोलते ना उनके अंडर काम करने वाले भाई भगवान के लिए काम करने वाले भगवान के दास जैसे इस तरीके का है ना मैं बोलती ना मैं तो भगवान के भाई अधीन हूँ मैं तो भगवान की दास हूं मैं सब कुछ अपना जो है दान दे रही हूँ या सब कुछ छोड़ रही हूँ इस तरीके से तो इन्होंने क्या करा था सब किंगडम जो था अपना डेडिकेट कर दिया था किसके नाम पर भगवान के नाम पे ठीक है कि भाई मैं इनका डेप्यूटी हूँ इस तरीके से कौन थे वो अनग भीमा थर्ट अपना राजपाट अपना किंगडम है ना ऐसे डेडिकेट करना बहुत बड़ी बात होती है पर भगवान के लिए उन्होंने किया होते ही कुछ लोग और उसमें कोई गलत बात नहीं भाई भगवान की भक्ति आप आप इतना यकीन कर रहे हो अपने ईश्वर पे ठीक है ये हमने क्या देखा सबका मतलब अलग अलग रीजन वाइज सब अपना अपना चीज़ें क्या बनवा रहे हैं क्या करवा रहे हैं जैसे हमने देखा किसने गंगा डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे अनंत वर्मन उन्होंने जो है टेम्पल बनवाया था पुरुषोत्तम और जगन्नाथ के पुरी में फिर हमने देखा कि भाई ये जो किन राजा थे अनक इन्होंने तो क्या कर दिया था डेडिकेट ही कर दिया था ठीक है क्लियर As the temple gained an importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. अब जैसे 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 मंदिर वगैरह इंक्रीज होंगे मंदिरों में कौन रहेंगे मंदिरों में पंडित रहेंगे है ना मंदिरों किसके अधीन मतलब जैसे ज़्यादातर करके मंदिरों के लिए दान लैंड वगैरह या उनके लिए काम वगैरह के लिए भाई मैंटेनेंस वगैरह मेन राजा लोगों काफी इंटरेस्ट रहता था ये रिच पर्सन के लिए ठीक है तो उनकी जो अथॉरिटी इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पोलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज अब हमें बोल रहे हैं जो टेम्पल हैं जैसे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज है ना पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा जैसे कि तीर्थ स्थान है ना तीर्थ तीर स्थान अब जब तीर्थ स्थान जैसी इंपॉर्टेंस बढ़ रही कि भई ये तो तीर्थ स्थान है यानी लोग आएंगे दर्शन करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई मतलब जो उसकी अथॉरिटी चाहे वो सोशल वे में हो चाहे पॉलिटिकल वे में हो यहाँ भी इंक्रीज हो गई All those who conquered Orissa, such as the Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempted to gain gain control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. अब क्या होगा? ऐसे ही लगता है ना कि अगर मंदिर को काबू में कर लिया, तो जो local लोग हैं, जो इन भगवान इस मंदिर को में आते हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस भगवान को पूछते हैं जिसका ये मंदिर है, है। उन्हीं को अगर हम अपने अधीन ले लें उनको कैप्चर कर लें तो जो लोकल पीपल है भाई आराम से वो भी हमारे हत्ते मतलब ईजिली हम उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे है ना तो ऑल दोस्त जिन जिन ने उड़ीसा को कंक्वायर करा क्योंकि हम अभी उड़ीसा का देख रहे थे ना जैसे मुगल्स हो गए मराठास भी हो गए या जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना अटेम्प्टेड टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल पूरी पूरी उन्होंने कोशिश करी कि भाई टेम्पल में मंदिरों में क्या कर सके हम ज्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रोल स्थापित कर सके दे फेल दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल उनको ये मानना था कि अगर हमने मंदिर को कंट्रोल कर लिया ये जगन्नाथ टेम्पल है पुरी का ठीक है अगर हमने मंदिर को कंट्रोल में कर लिया तो जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे हमें एक्सेप्ट कर लेंगे तो मंदिर को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मानते थे कि भाई ये कंट्रोल में कर लिया ना तो लोकल लोग मान जाएंगे इस तरीके से ठीक है क्लियर हुआ चलो सो so, इसी के साथ भाई हमारा जो टॉपिक है ये एंड होता है हम जैसे देखा हमने मलयालम के भाई कैसे कैसे अपग्रेड हुई उसमें साथ में जो चेरास थे उनको किस में भी इंटरेस्ट था संस्कृत एपिक्स में भी इंटरेस्ट था उससे भी उन उनकी तरफ भी भाई झुकाव था उनका फिर हमने देखा अलग एरिया जैसे हम बात करें अलग राजा की उन्होंने कैसे जो है मंदिर बनवाया हमने बात करी थी अनंत वर्मन की हमने देखा फिर एक राजा थे अनक बीमा उन्होंने तो क्या कर दिया था भाई डेडिकेट कर दिया था अपने जो किंगडम को भगवान के नाम पे कि भाई ठीक है फिर हमने देखा था कि मंदिर को बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता था कि अगर मंदिर को कंट्रोल कर लिया तो जो लोग हैं वो भी हमारे कंट्रोल में आ सकते क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल काफ़ी तरीके से अथॉरिटी उसकी गेन हो रही थी कि मंदिर अगर पावरफुल हो रहा है मंदिर क्यों क्यों एक तीर्थयात्रा की तरह माना जा रहा है कि भाई लोग तीर्थयात्रियाँ आएंगे एक तीर्थ स्थान है बेसिकली तो अगर ये कंट्रोल में तो लोग भी कंट्रोल में आ जाएंगे तो सबकी अपनी अपनी उस टाइम पर थाट प्रोसेस थी है ना रीजन वाइज क्या क्या चीजें थी वो हमने अच्छे से देखी ठीक है इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट प्रेन्स के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं ई e नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सी बी एस ई बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और हंड्रेड परसेंट फ्री अवेलेबल है आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग